आदरणीय पद्म श्री विद्यादेव सिंह जी, परम आदरणीय बीज वक्तव्य के लिए उपस्थित प्रोफेसर पुनीत शर्मा जी, परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीधर पराड़कर जी, इस विश्वविद्यालय के जो सेक्रेटरी सूट के साथ मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं, कुलगुरु दिलंजन भाई पटेल जी, संचालक रूपा डांगर जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज हमारा एक आयोजन, जो हमारा एक सपना था, वो एक रूपाकार ले रहा है, और वो भी उस समय जबकि टीवी चैनलों ने 24 घंटे टीवी पर हाहाकार मचाया हुआ है, बाढ़, पानी, तहलका, जिसे हम कह सकते हैं कि उस तहलका के बाद भी आज हम सब यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं, तो ये वास्तव में एक बड़े ही प्रसन्नता की बात है। और स्त्री गौरव की बात है, इसकी गरिमा की बात है, स्त्री के महिमा की बात है कि किसी भी परिस्थिति में कितनी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भ्रम फैलाया जाए, तब भी स्त्री अपने निश्चय से डिगती नहीं है। और आज 19 राज्यों से, जिसमें सुदूर नागालैंड से लेकर नागालैंड, असम, कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उन सब दूर दराज के क्षेत्रों से भी, और मध्य भारत, उत्तर भारत कोटा भी, 19 राज्यों से 122 रजिस्ट्रेशन कल रात तक हमारे संपन्न हुए। इन 122 में हमने गुजरात को भी नहीं रखा है, क्योंकि गुजरात तो होस्ट है, घर उनका तो घर है, और हम सब उनके घर पर आए हुए अतिथि हैं, जिनकी संख्या अभी मैंने आपको बताई, और वो भी तब जब टीवी चैनलों ने पूरा हाहाकार मचाया हुआ। तो एक ये ये तो स्वामी नारायण जी ने ये स्थिति पैदा की कि हम उस सब के बावजूद देखें कौन कौन परीक्षा में सफल होता है और दर्शन के लिए आता है, और आज हम यहाँ इतने बड़े उद्देश्य को लेकर इकट्ठा हुए हैं। बस बेसिकली मेरा यहाँ कोई वक्तव्य नहीं है, मैं सिर्फ प्रस्तावित देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि हमने ये गोष्ठी, ये महिला साहित्यकार सम्मेलन आखिर क्यों किया। अगर हम इस पर बात करें, तीन चार छोटे छोटे उदाहरण के बाद मैं अपनी बात पर आऊंगी। और नत्र यारेस्त नारेस्त पूज्यन्ते गमन्ते तत्र देवता, ये उक्ति हमने सुनी है, और हमने ये माना है कि वास्तव में आदिकाल में भारतीय महिलाओं की यही स्थिति थी। फिर हम जयशंकर प्रसाद तक आते हैं और हम कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत कर में, पीयूष शोध सी भा करो जीवन के सुंदर समय। लेकिन फिर हमने मध्यकाल में ही ये भी सुना और पढ़ा, नारी की जाई परत अंधा हो भोजन। और आज तो हम बार बार इतने मीडिया चैनल्स और अखबारों में इतने सारे स्त्रियों की कविताओं में पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्थितियों को समझते हैं, कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर लहू बो जाती हैं, कौन कुएं में कूद पड़ी है, कौन गिरी विकारों से, कौन गिने गायन की संख्या रोज रंगे अखबारों से। तो ये स्थितियां भी है। एक तरफ भारतीय स्त्री चिंतन की अवधारणा है, हमारे पास तीन शब्दों पर हम बात शुरू करते हैं, तो विचार, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का भारतीय स्थितियों का इतना बड़ा विचार हमारे सामने। दूसरा है व्यवहार, जो आज हम कुछ कुछ स्थानों पर खंडित होते हुए इन सब घटनाओं में देखते हैं, जो कुछ पंक्तियां हमने लिया। तीसरी है व्यवस्था, व्यवस्था में हमारे वो सब आज के संवैधानिक कानून है जो स्त्री को समानता की गारंटी देते हैं, फिर भी व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रकृति ने जहां संस्कृति की वहां विकृति भी व्यवहार में आ रही है। तो उन सबको उस वैभव संपन्न बनाने की दिशा में आखिर हम साहित्यकारों के को क्या करना है। पश्चिम की एक नारीवाद की अवधारणा, स्त्री विमर्श, स्त्री नारीवादी चिंतन के रूप में बार बार कहानी कविताओं के माध्यम से साहित्य में प्रकट हो रही है, लेकिन ये मेरा और हम सबका और पूरी भारतीय परंपरा का ये मानना है कि यदि हम सबको इससे प्राण पाना है, जैसा कि अभी
हमारे परिषद गीत में भी करुणा जी ने बताया गाया तो वो एकात्म मानववाद से ही संपन्न होगा। भारतीय अवधारणा से ही हम वास्तव में उससे मुक्ति पा सकते हैं और भारतीय अवधारणा अर्ध नारीश्वर की कल्पना जो स्त्री और पुरुष को पश्चिम की अवधारणा जो एक दूसरे के बरक्कस खड़ा करती है, वास्तव में भारतीय अवधारणा उसको एकात्म के रूप में देखती है और अर्ध नारीश्वर की कल्पना करती है। तो हम अपनी भारतीय नारी गौरव और गरिमा जिसके लिए हम दो पंक्तियों की बात यदि मैं करूं कि उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दबली मैदानों में, तो नारी ने जो समय समय पर जो गौरव गाथा हमने गाई है उनके कार्य कलापों की जो साहित्यकारों ने लिखा है वास्तव में हम सबको कैसे पता चलता, ऐसे अनेक चरित्र हमारे मध्य से अनेक हटा दिए गए इतिहासकारों ने जानबूझकर जिनका हमें पता नहीं था, लेकिन हम झांसी की रानी को याद कर पाए इसीलिए क्योंकि वो साहित्य के माध्यम से हम सबके बीच में आई और हमने उनकी गौरव गाथा गाई। तो इसी तरह से ऐसे अनेक प्रसंग हम साहित्यकारों की भूमिका पर भी आज सवाल उठ रहे हैं और हम आज ये गोष्ठी इसीलिए यहाँ केंद्रित कर रहे हैं कि साहित्यकार का साहित्य का मतलब आईना नहीं है, दर्पण नहीं है, वह समाज का दर्पण मात्र नहीं है कि जो देखता है उसे लिखे, वास्तव में वह समाज को दिशा बोध देने वाला कर्तव्यनिष्ठ साहित्यकार है। इसीलिए आज हम इस महिला साहित्यकार सम्मेलन की इस गोष्ठी में जो आज यहाँ हमने ये किया है इसी विषय को लेकर, इतनी ही संख्या क्यों है, हमने बहुत सीमित संख्या हर प्रदेश से बुलाई, उसके पीछे भी एक योजना थी। वैसे तो कुलगुरु जी ने कहा था कि आप 800 हजार जितनी आपको संख्या बुलानी आप उसमें बुलाइए और यहाँ सबका पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ से जो प्रशिक्षित होकर यहाँ की इस गोष्ठी में जो भाग लेकर महिला साहित्यकार बढ़ने जाएंगे अपने अपने प्रांत में, उन्हें इसी विषय को लेकर वहाँ आगे भी इस जिम्मेदारी इस दायित्व को पूरा करना है, इसीलिए आज ये गोष्ठी में हम लोगों ने सीमित संख्या में रखी थी। क्योंकि पत्र में आप सबने देखा होगा कि हमने वहाँ ये कहा था कि इतनी ही संख्या में आए, उसके पीछे योजना यही थी कि आप सब अपने अपने प्रांत में जाकर इस उद्देश्य को निमित्त महिला साहित्यकार सम्मेलन आयोजित करें और इसी विषय पर वहां बात करें। इतनी गौरव गाथाएं हमारे बीच में है, इतना भारतीय दृष्टिकोण की विपुल विस्तार हमारे साथ है कि हम भारतीय अवधारणा के साथ इन समस्त जो चिंताओं को हम दूर कर सकते हैं। बस यही उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में बैठा।